एवरीवन, दिस इज अनम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर पाओ, किस तरह से आप प्री बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटालिटी चेंज करनी है। ये मेंटालिटी आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये जो स्कूल वाले हमें बार बार तंग करते रहते हैं, कभी ओटी दे देंगे, कभी प्री बोर्ड दे देंगे, तो यार ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना। बहुत सारे बंदे अभी आपसे ये भी आके कहेंगे कि प्री बोर्ड को सीरियसली मत लो, लेकिन यार उनकी बिल्कुल भी आपको सुननी नहीं है, क्योंकि जो प्री बोर्ड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। ये एक तरह से आपका पहला स्टेप है जिसमें आप क्या कर पा रहे हो, एग्जाम दे पा रहे हो, प्रैक्टिस कर पा रहे हो। इसमें आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेज करोगे अपने एग्जाम में, किस तरह से आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करोगे, किस तरह से आप अपना एग्जाम को फ्रेम कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हो रही है इस प्री बोर्ड एग्जाम में। तो ये सारी चीजें आपको कहां पता चलने वाली है, प्री बोर्ड एग्जाम में। और ये भी पता चलने वाला है कि जो आपका प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम में, उस पेपर में, उस टाइम पे आप अपना प्री बोर्ड एग्जाम दे पा रहे हो नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि घर पे बैठ के सैंपल पेपर को सॉल्व करना और स्कूल जाके एग्जाम को देना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। वहां पर घर पे बैठ के आपके कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जब स्कूल जाते हो वहां पर आपको प्रेशर होता ही होता है, ठीक है। तो सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि किस तरह से आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ। सबसे पहली चीज यार रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रैक्टिस के लिए। आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, आपने जितना भी पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करते रहो, नोट से रिवाइज करते रहो। अगर आपके पास अभी तक नोट्स ही बनाए तो किसी टीचर के प्रेफर कर लो, ठीक है। तो नोट से रिवाइज करना है एंड जितना पढ़ा सिर्फ उसको रिवाइज करो। मैम जितना नहीं पढ़ा उसको क्या करें, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या करने वाले, लेकिन जितना पढ़ा है अभी सिर्फ उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। पहली पार्ट ये होगी। अब नेक्स्ट पार्ट ये है, कोई भी न्यू टॉपिक मत उठाओ। कोई भी आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो यार उसको अभी छोड़ दो, प्री बोर्ड के बाद हम उसको कर लेंगे। लेकिन ये नहीं करना कि स्किप ही कर दिया बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको हम प्री बोर्ड के बाद कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, उसमें आपने 1 घंटा लगा दिया, 2 घंटा लगा दिया, तो यार उसको टाइम वेस्ट मत करो उस क्वेश्चन में, उसको फिलहाल अब स्किप कर दो, उसको भी हम क्या कर लेंगे, प्री बोर्ड के बाद कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बेटा एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आपको मैक्सिमम 2 टाइम्स करना है। उसका हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन, हर एक मिसलिनियस का क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका शॉर्ट नोट्स। कोई भी आपका सब्जेक्ट है उसके नोट्स बनाते हुए चलते हो, जैसे बीएससी इको की बात करें, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, रीड करते चलते हो आप बुक को, तो उसके साथ साथ कोई भी रजिस्ट्रा या A4 साइज शीट ले लो, उसमें आपको क्या करते जाना है, नोट्स बनाते चले जाते हैं। इससे आपको नींद भी नहीं आएगी, इससे आपको आलस भी नहीं आएगा कि हम सिर्फ रीड कर रहे हैं हमें आलस आ रहा है, हमें नींद आ रही है, ये सब पढ़ने से। आप क्या करते रहो, अपने लिखते चले जाओ, उससे आपका माइंड जो है अच्छे तरीके से फ्रेशन अप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे बीएससी इको है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं कि हाँ अगर मैं ये एग्जाम में लेके आऊंगा तो मेरे इससे मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वर्ड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनको लिखते चले जाओ। कोई भी फॉर्मूला है जो कि आपको इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, कोई भी डायग्राम है, कोई भी ठीक है फिगर वगैरह है, उसको भी बनाते चले जाओ अपने नोट्स में। उससे आपकी रिविजन भी होती रहेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका 2 सैंपल पेपर। अगर मान लो दो सैंपल पेपर भी नहीं हो रहे ना प्री बोर्ड से पहले, 1 सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट का अच्छी तरीके से कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट है बेटा जो भूल गए उसे रिवाइज करो। जैसे आपका फर्स्ट टर्म का कोई भी चैप्टर है उसको आप भूल गए तो उसको रिवाइज करो, ठीक है। जितना आपने कर लिया है, जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। कोई भी आप न्यू टॉपिक मत उठाओ, कोई भी न्यू चैप्टर मत उठाओ जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ रखा। सबसे पहले अब क्या करोगे बच्चे, 90% ऑफ द स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सिलेबस को भगाना है, जल्दी जल्दी से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं कि हमारे प्री बोर्ड्स आने वाला है। यार ये बिल्कुल ही मत करो। जितना अभी तक आपने कर रखा है ना उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। जैसे कि मान लो आपने 60% ऑफ द सिलेबस कर लिया, 60-50 जितना भी कर लिया वो हम मान के चलते रहते हैं, जितना भी कर लिया है। अब 60% में से आपके मान लेते 38 क्वेश्चन आती है आपके एग्जाम में, 38 क्वेश्चन में से आपके 60% में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखो कि जो आपने 60% सिलेबस करा है, जो उसमें से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 60% सिलेबस में से, क्या आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पा रहे हो, उन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, कि आप उसके अच्छे मार्क्स आ पा रहे हैं 25 क्वेश्चंस में, पूरे पूरे मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत यार अच्छी तैयारी आपकी। अगर इनमें भी आपके अच्छी तरीके से मार्क्स नहीं आ पा रहे तो आपका सिलेबस पूरा करने का फायदा नहीं है। जैसे मान लो बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस भगाएंगे जल्दी जल्दी से, एक रात में 4-4 चैप्टर कर लिए, बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए, सिलेबस कंप्लीट कर लिया, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी उनके 40 मार्क नहीं आ पा रहे, 40 मार्क्स भी नहीं आ पा रहे, तो कुछ फायदा नहीं है उनका सिलेबस करने का। जितना आपने करा है उतना बेस्ट करो, वो क्वेश्चंस कर पाओ इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर लो, ठीक है। तो जितना पढ़ाया, जैसे कि मैंने बोला था रिवीजन के टाइम पे, कि जितना पढ़ा यार उसको बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करो, ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि आपका अगर मान लो जैसे 60% सिलेबस हो गया और 40% बचा, वो कब करें, वो आपको प्री बोर्ड के बाद करना है, ठीक है, प्री बोर्ड के बाद करना। लेकिन जितना करो उसको बहुत अच्छी तरीके से करो कि जो भी क्वेश्चन आ जाए वो आप आराम से क्रैक कर पाओ।
ठीक है। और सबसे पहली बात, नो डाउट यार, आपके एग्जाम जो है, मतलब जो प्रीबोर्ड में एग्जाम मार्क्स जो है वो कम आने ही आने वाले। क्यों आने वाले? सबसे पहली बात तो हार्ड पेपर होता है ना, हार्ड पेपर होता है। दूसरी बात, हार्ड चेकिंग भी होती है। जो टीचर्स होते हैं वो सिली सिली मिस्टेक्स में भी आपके मार्क्स काटते हैं, मार्क्स काटते हैं, क्योंकि वो अभी से आपको अवेयर कर देना चाहते हैं कि ये जो मिस्टेक्स हैं ये आप अपने बोर्ड एग्जाम में ना करके आओ। ठीक है, तो ये सारी जो मिस्टेक्स हैं इनको आपको सुधारना है। जो भी आपके प्रीबोर्ड में जो भी मिस्टेक्स होंगे उनको देखना है कि क्या क्या मिस्टेक्स हमने करी है, उनको हम सुधारें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में ये मिस्टेक्स ना करके आ पाए। ठीक है। एंड दूसरी बात, ये जो प्री बोर्ड है ये आपके कुछ बच्चों के दो भी होते हैं, दो तीन भी होते हैं, कोई किसी बच्चे का एक भी होता है, तो इनको एज अ ट्रायल लेके चलो। एज अ ट्रायल मतलब कोई इस प्री बोर्ड को आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, कोई प्री बोर्ड को लास्ट से स्टार्ट करा, लास्ट सेक्शन से, कोई बी से जो आपको आता है उससे स्टार्ट करा। तो इस तरह से आपको प्री बोर्ड एग्जाम देना है एज अ वेपन, जो मतलब आपका बेस्ट वेपन होगा उसको उठा लो, मतलब जिसमें आपको कम टाइम लग रहा है, जिस सेक्शन से स्टार्ट करने में कम टाइम लग रहा है उसी को उठा लो। ठीक है, अगर मान लो एक ही प्री बोर्ड होता है, सैम्पल पेपर, उसको प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर में ट्राई करके देखो, आगे से पीछे से बीच से जो भी आपको आता है उससे ट्राई ट्राई बार बार ट्राई करके देखो, अगर जिससे भी आपका कम टाइम लग रहा है वही आपको कहाँ अप्लाई करना है, आपके बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है प्री बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम।